कहा जाता है कि हर एक कलाकार का एक दौर होता है, एक समय होता है। उस वक्त में वो कलाकार कामयाबी की बुलंदियां छू रहा होता है, हर तरफ केवल उसकी ही चर्चा हो रही होती है, उसी की धूम मची होती है। फिर चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो या फिर गीतकार हो, सबका एक पीक टाइम होता है। ये पीक टाइम तब होता है जब उसे सबसे ज़्यादा सफलता मिल रही होती है। ये लंबा या छोटा हो सकता है, किसी का दौर 5 साल तक चलता है तो किसी का 10 साल तक। ये वो वक्त होता है जब उस क्षेत्र में उससे बेहतर दूसरा कलाकार नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही लेजेंडरी सिंगर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक दशक से भी ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एज एन प्लेबैक सिंगर राज किया है। जब वो गाते थे तो कोई दूसरा सिंगर उनके आसपास तक भी नहीं रहता था। एक दशक से ज़्यादा तक वो लगभग हर फिल्म का हिस्सा रहे। जैसे सब्जी में नमक के बिना स्वाद नहीं आता, वैसे ही किसी भी बॉलीवुड फिल्म में उनके गाने के बिना बात नहीं बन पाती थी। पागल तुझे मैं कर दूंगा। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द टॉप सिंगर ऑफ बॉलीवुड, द लेजेंडरी कुमार शानू की। एक फिल्म को हिट कराने के लिए अच्छी स्टोरी के साथ साथ बड़े स्टार्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन कुमार शानू ने साबित कर दिया कि फिल्मों में म्यूजिक का क्या महत्व है। वो फिल्मों को हिट कराने का एक नया ट्रेंड लेकर आए जिसे म्यूजिकली हिट फिल्म कहा जाने लगा। बड़े स्टार्स ना भी हों, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी ना हो, इवन डायरेक्शन भी अगर कमजोर हो, तो भी कुमार शानू केवल अपने गानों के दम पर फिल्म को हिट करा जाते थे। बॉलीवुड में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां फिल्में केवल गानों के दम पर सुपरहिट हुई थी, और उन फिल्मों में 90% या कभी कभी 100% गाने कुमार शानू के गाए ही होते थे। गीत छेड़ती हवा से पूछ लो। कुमार शानू का असली नाम है शानू भट्टाचार्य, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम केदारनाथ भट्टाचार्य कर लिया था। और बॉलीवुड में आने से पहले उन्हें 1986 में एक बांग्लादेश फिल्म तीन कन्या में गाने का मौका मिला था। इस फिल्म के गाने बांग्लादेश में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। 1989 में उनकी मुलाकात हुई गज़ल सम्राट जगजीत सिंह से, जिन्होंने कुमार शानू को गाते हुए कहीं सुना था, और ये नाम कुमार शानू भी उन्हीं का दिया हुआ है। तेरी रंगत नहीं जिसमें। जगजीत सिंह ने कुमार शानू को शाम को घर आने को कहा और दोबारा उनसे गाना सुना। इसके बाद जगजीत सिंह ने उनसे अपना एक गाना गवाया और यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले वो टी सीरीज़ के लिए किशोर कुमार के गाने गा चुके थे, लेकिन फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर सके थे। जगजीत सिंह से मिलने के बाद उनकी जान पहचान हुई कल्याण जी आनंद जी से, और जादूगर फिल्म का एक गाना उन्हें इसी वजह से गाने को मिल गया। इससे पहले वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म हीरो हीरा लाल और 1990 में रिलीज्ड शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म आंधिया में भी एक एक गाना गा चुके थे। बस इसके बाद तो इस परिंदे ने अपने पैर फैला दिए और निकल पड़े खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने। सोचो हम कितने मजबूर थे। 1990 से लेकर 1994 तक तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अंगद की तरह अपने पैर जमा लिए, शायद जिसे हटा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। 1990 से 1994 तक कंटिन्यूअस उन्होंने 5 फिल्मफेयर अवार्ड पर कब्जा करके सबको हैरत में डाल दिया। ये भी एक रिकॉर्ड ही था कि किसी सिंगर ने 5 साल तक बेस्ट प्लेबैक सिंगर की ट्रॉफी किसी और के हाथ लगने ही नहीं दी। 1990 में आशिकी फिल्म का गाना अब तेरे बिन जी लेंगे हम के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। मेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाए। आशिकी फिल्म तो म्यूजिकली हिट थी ही, ये बात सब जानते हैं। इसके बाद 1991 में उन्हें साजन फिल्म के गाने के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ये गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है। 1992 में उन्हें ये अवार्ड मिला फिल्म दीवाना में गाए उनके बेहद रोमांटिक सॉन्ग के लिए। ये सॉन्ग था सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। फिल्म फेयर की हैट्रिक मार चुकने के बाद भी उन्होंने जीतना नहीं छोड़ा और 4th time फिर से इस अवार्ड को अपने कब्जे में ले लिया। इस बार फिल्म थी बाजीगर और सॉन्ग था ये काली काली आंखें। देखी जो तेरी याद मैं फिदा हो गया। उनकी जीत का सिलसिला यही नहीं रुका और लगातार 5वीं बार भी ये अवार्ड वो अपने नाम करा गए। इस बार ये फिल्म थी 1942 ए लव स्टोरी और गाना था वो तो आपको पता ही होगा। एक फिल्म बनने की प्रक्रिया होती है कि पहले कहानी लिखी जाती है, स्टारकास्ट फाइनल होते हैं, बजट वगैरह के बाद
म्यूजिक और फिर सिंगर्स और गाने। लेकिन कुमार शानू ने सारी परिभाषा ही बदल के रख दी। फिल्म आशिकी के गाने एक्चुअली में एक एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए गए थे, यानी जब ये सारे गाने बन चुके थे तब तक आशिकी फिल्म का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन ये गाने इतने अच्छे बन पड़े थे कि महेश भट्ट और गुलशन कुमार ने इन गानों को फिल्म में डालने का सोचा। अक्सर गाने जो हैं वो फिल्म के सीन्स और सिचुएशन के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसके बोल उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे कि फिल्म की स्टोरी की डिमांड होती है। लेकिन शायद ये आज तक की पहली फिल्म थी जिसके गानों को सुनकर उस पर स्टोरी लिखी गई और फिल्म बनाई गई। फिल्म थी आशिकी। से पहले बहुत से सिंगर्स का बोलबाला था, मनहर उदास, किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार। लेकिन कुमार शानू के आने के बाद फिल्मों में सबके गाने कम होते चले गए और धीरे धीरे बॉलीवुड की हर फिल्म पर कुमार शानू का कब्जा होने लगा। हालांकि किशोर कुमार की तो बाद में मृत्यु हो गई थी, लेकिन मोहम्मद अजीज जैसे बेहतरीन सिंगर का करियर भी खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1992 में रिलीज्ड फिल्म खुदा गवाह के सबसे ज्यादा पॉपुलर गाने गाने के बाद भी उनका करियर समाप्त क्यों हुआ, इस पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कुमार शानू की पॉपुलैरिटी इसका एक रीजन हो सकता है, लेकिन और भी कुछ वजह जरूर रही होंगी। खाते हैं हम कसम तुमको ही। कुमार शानू की आवाज में एक एक्स फैक्टर था। उनके रोमांटिक गाने सीधे दिल को छूते थे और इमोशनल सॉन्ग्स किसी को भी इमोशनल करने की क्षमता रखते थे। कुमार शानू ने एक शो के दौरान बताया था कि एक महिला जो काफी दिन से अस्पताल में भर्ती थी, वो रोज उनका एक गाना सुनती थी और गाना था जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना उनको इतना सुकून पहुंचाता था कि धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आता चला गया। 90s की जाने कितनी ही फिल्में हैं जिनमें कुमार शानू के गाने लोगों के दिलों को छूते रहे। फिल्म साजन, दिल है के मानता नहीं, बाजीगर, रंग, साथी, दीवाना, दिल का क्या कसूर, आशिकी, दरार, चाहत जैसी अनगिनत फिल्में हैं जिनमें कुमार शानू के गानों ने एक तरह से जान डाल दिया था। जाना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा। कुमार शानू के साथ संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी ने सबसे ज्यादा हिट गाने दिए। नदीम श्रवण कुमार शानू और समीर के लिखे गाने हिट होने की गारंटी हुआ करते थे। जब तक नदीम श्रवण की जोड़ी रही, उनके ज्यादातर गाने कुमार शानू के साथ ही होते थे। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। नदीम श्रवण की जोड़ी के साथ कुमार शानू ने करीब 293 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। नदीम श्रवण के बाद जिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कुमार शानू ने सबसे ज्यादा काम किया वो थे अनु मलिक। चमत्कार, सर, फिर तेरी कहानी याद आई, विजय पथ, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और इम्तिहान जैसी फिल्मों में अनु मलिक ने कुछ बेहद खूबसूरत गाने कुमार शानू से गवाए थे जो आज भी एवरग्रीन कहलाते हैं। चुरा के दिल मेरा, गोरिया। कई सालों के ब्रेक के बाद जब कुमार शानू ने गानों में वापसी की तब भी अनु मलिक ने ही उनके लिए गाना कंपोज किया था 2015 में रिलीज्ड फिल्म दम लगा के हईशा के लिए, और गाना था दर्द करारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा। कुमार शानू के नाम कई रिकॉर्ड्स भी रहे। 5 बार लगातार फिल्म फेयर लेने के अलावा उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित है। रीजन कि उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने एक साथ रिकॉर्ड किए थे, जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया था। उनका ये रिकॉर्ड अभी तक भी कोई तोड़ नहीं पाया है। 2009 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि थी और ये अवार्ड वो डिजर्व भी करते थे। तुमको रखूंगा दिल में बसा के मेरी धड़क। उनकी सुरीली और मधुर आवाज हर किसी के कानों में गुड़ की तरह पिघल जाती थी और इनकी आवाज नो डाउट किसी भी गाने में मिठास डाल देती थी। कुमार शानू ने अपने इस पीक टाइम को एक दशक से ज्यादा अपने कब्जे में रखा, जो आसान काम नहीं था। उस वक्त उदित नारायण एक उभरते सिंगर थे, सोनू निगम प्लेबैक शुरू कर चुके थे, एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे सिंगर्स थे। बावजूद इनके इस एक दशक में उनके गानों की डिमांड कम नहीं हुई और म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली चॉइस हमेशा कुमार शानू ही रहे। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। वहीं 2012 में उन्हें पीपल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बाबा अंबेडकर अवार्ड भी मिला। आपके करीब हम रहते हैं। आज की पीढ़ी भले ही इनके जमीन से आसमान तक के सफर से अनजान हो और उनके खूबसूरत गीत भले ही उनके कानों तक
ज़्यादा ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज भी अगर कोई उनके गीत एक बार सुनना शुरू कर दे तो लगातार सुनता चला जाए। उनका स्ट्रगल, उनकी मेहनत, उनके टैलेंट को सही दिशा मिली तो उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और विजेता बने। कुमार शानू के अचीवमेंट से भरे इस एपिसोड के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दें और अपना सबसे फेवरेट कुमार शानू का सॉन्ग भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।